जापान एशिया में बसा एक छोटा सा देश है जिसने वर्ल्ड वार वन और टू जैसे बड़े युद्धों में भाग लिया था। वर्तमान में हम बात करें जापान की तो दुनिया के मोस्ट इकोनॉमिक देशों में भी शामिल है। तो आज हम बात करेंगे जापान के बारे में कि कैसे वो सुपर पावर बना और इतना छोटा सा देश होते हुए भी उसने चाइना जैसे बड़े देश को भी पराजित किया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। 16वीं सदी के पहले दशक से ही यूरोपियन पुर्तगाली व्यापारियों तथा मशीनरियों ने जापान से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक तालमेल की शुरुआत कर दी। जापानीज लोगों ने यूरोपियन देशों के बारूद तथा हथियारों को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मगर व्यापार के साथ साथ जापानियों ने ईसाई धर्म को भी अपनाना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों में लगभग 3 लाख जापानीज लोग ईसाई बन गए। जापान में ईसाई धर्म इस प्रकार लोकप्रिय हुआ जिस प्रकार 7वीं सदी में बौद्ध धर्म हुआ था। इस समय जापानियों के लिए आवश्यक नहीं था कि ईसाई धर्म में जाने के लिए वो अपने पुराने बौद्ध धर्म को छोड़ दे, मगर आगे चलकर चर्च के पादरियों ने ये घोषित कर दिया कि ईसाई धर्म मानने वाले सभी धर्म परिवर्तित लोगों को अपने पुराने धर्म को छोड़ना होगा। ये सुनकर गैर ईसाई जापानी लोग अचंभित हो गए। फिर भी ईसाइयों की संख्या बढ़ती रही। सन 1615 ईस्वी तक लगभग 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। उस समय देश में शासन थी समुराई किंग सोगुनेट योजी की। उन्हें लगा कि ये विदेशी लोग उनके देश को आर्थिक और धार्मिक नीति से गुलाम बना रहे हैं। उन्होंने विदेशियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और उनकी व्यापारिक सीमाएं नागासाकी तक सीमित कर दिए। साथ ही बौद्ध धर्म से ईसाई बने जापानी लोगों की सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए। आने वाले लगभग 25 वर्षों तक ईसाइयों के खिलाफ प्रताड़ना और हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। सन 1638 ईस्वी में बचे हुए 37,000 ईसाइयों को बंदी बनाकर नागासाकी के समीप एक द्वीप में कैद कर दिया गया जिसे सीज ऑफ हेरा कास्टल कहा गया, जहां बाद में उन लोगों की सामूहिक हत्याएं कर दी गई। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक जापान की सत्ता सैनिक शोगुनेट के नेताओं के ही हाथों में रही। सिर्फ कहने मात्र के लिए ही जापानी साम्राज्य जापान की गद्दी पर बैठा था। 1854 में जापानियों ने शोगुनेट सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें शोगुनेट का पतन हो गया। जापान का नए सम्राट बने मोजी इन, जिसके नेतृत्व में जापान आधुनिकीकरण के रास्तों पर निकल पड़ा। सेना में सुधार किया गया और उसमें निस्वार्थ देशभक्ति की भावना भरी गई। साथ ही अब जापान पश्चिमी देशों की तरह उनकी आर्थिक और विस्तारिक नीति को अपनाने लगा। उस समय जापान पे पश्चिमी देशों ने बहुत सारे असमान संधियां थोपी हुई थी, जिस संधियों को जापान ने समाप्त कर दिया और अपने विदेश नीति को मजबूत बनाने में लग गया। जापान की विदेश नीति में प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी सिनो जापानीज वार की। दरअसल जापान कोरिया के लिए चीन से उलझ चुका था। अब उसे डर था कि कोई यूरोपियन देश कोरिया की निर्बलता का लाभ उठाकर उस पर अपना अधिकार ना कर ले, क्योंकि जापान कोरिया की स्वतंत्रता को अपनी सुरक्षा मानता था। अगर कोई देश कोरिया पर नियंत्रण कर लेगा तो आसानी से जापान पर भी अधिकार कर सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों की सीमाएं आपस में मिलती जुलती है। सन 1894 में जापान ने कोरियन शासक गोजोंग को ये चेतावनी दी कि उसके द्वारा किए गए सुधार योजना को वो भी स्वीकार कर ले, मगर उसने नहीं माना, जिस कारण जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया और किंग को बंदी बना लिया। ये देख चीन भी कोरिया तरफ से आ गया। इस तरह इन दोनों देशों में पहला सिनो जापानीज वार आरंभ हो गया जो लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा, मगर इस जंग में चीन बुरी तरह से हारा। इस दौरान जापान पूरे कोरिया और दक्षिण मंचूरिया पे अधिकार कर पैकिंग पे चढ़ गया था। अप्रैल 1895 में चीन और जापान में सिमिनोस्को की संधि हुई, जिसके अनुसार लियोटुंग प्रायद्वीप पोर्ट आर्थर और फर्मुसा का द्वीप जापान को दे दिया गया। साथ ही चीन को युद्ध भरपाई के लिए धनराशि भी देने पड़े और कोरिया की आज़ादी पे जापान को मनमानी करने की छूट भी दे दी गई। अब जापान एक शक्तिशाली देश माना जाने लगा, मगर जापान की ये मनमानी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि यूरोपियन देश भी इस खेल में कूद पड़े। रूस जापान और जर्मनी ने एक संयुक्त पत्र जापान को भेजा और सुझाव दिया कि वो किसी भी चीनी क्षेत्र को अपने देश में ना मिलाए। अगर जापान ऐसा करता है तो एक और बहुत बड़ी जंग के लिए वो तैयार रहे। जापान को ये ना चाहते हुए भी इस सुझाव को मानने के लिए विवश होना पड़ा और उसने चीनी क्षेत्र पोर्ट आर्थर तथा लियोटुंग को वापस चीन को लौटा दिया। इस घटना से जापान अपने आप को अपमानित समझने लगा। दूसरी तरफ इस सुझाव से उन तीनों देशों को अपने अपने फायदे थे। रशियन शासक जानते थे अगर जापान कोरिया पे अपना अधिकार कर लेगा तो रूस की दोनों तरफ से पानी वाली मार्गों और व्लादिवोस्टोक की बंदरगाह बंद हो जाएंगी। साथ ही व्लादिवोस्टोक साइबेरियन रेलवे का अंतिम स्टेशन भी था। रूस ने चीन में अपनी प्रभाव बढ़ाने के लिए रूसी चीनी बैंक की स्थापना की और उसे पोर्ट आर्थर का बंदरगाह भी मिल गया। फ्रांस की बात करें तो दक्षिण चीन के तीनों प्रांतों की सारी खानों पर उसका ही अधिकार हो गया, जिसे फ्रेंच हिंद चीन के नाम से जाना गया, और उसे अन्नाम से चीन तक रेलवे लाइन बिछाने का अधिकार भी मिल गया। जर्मनी को कियो चाऊ प्रांत मिला और बिछाए गए रेलवे लाइन पे उसे विशेष छूट भी दे दी गई।
अगर सही मायने में देखा जाए तो चीन पर आक्रमण करने के लिए यूरोपियन राष्ट्रों का मार्ग खुल चुका था। दूसरी तरफ सभी यूरोपियन देश एक दूसरे से कोई ना कोई संधियां कर चुके थे, मगर इंग्लैंड ही एक इकलौता देश था जो किसी से भी संधि नहीं किया था। हालांकि इंग्लैंड चाहता था कि वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से संधि करे, मगर उन देशों से बात नहीं बनी। 1901 में जब इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई, उस वक्त जर्मन शासक विलियम द्वितीय भी वहां पहुंचा था। जब इंग्लैंड ने उसे संधि करने की प्रस्ताव रखी तो उसका जवाब था बर्लिन का मार्ग वीना से होकर ही जाएगा, जिसका मतलब था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच कोई तीसरा कभी नहीं आ सकता। उसी वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलिन ने कहा था अगर जर्मन लोगों को बुद्धि नहीं है तो मैं क्या करूं। आखिरकार जनवरी 1902 में इंग्लैंड और जापान ने संधि कर ली, जिसे एंग्लो जापान संधि के नाम से जाना गया। अगर बात करें इस संधि की खासियत की तो ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे, यानी जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। इस संधि से दोनों देश को अपने अपने फायदे थे। इतिहासकार ग्रांट और टेम्परल की माने तो इस संधि से नए युग का शुरुआती दौर था। दरअसल इंग्लैंड सुदूर पूर्व में बढ़ रहे रूस की शक्ति को रोकना चाहता था और अखंड जर्मनी के बढ़ रहे समुद्री सेना को भी, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ी बड़ी जलबेड़े को तैयार कर रहा था, जिसके इंग्लैंड को उसके अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा और अपना अपमान भी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की नेवी सुपर पावर थी और वो नहीं चाहता था कि कोई और देश की नेवी सुपर पावर बने। दूसरी तरफ जापान एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा था जिसमें न्यू मॉडल वेपन भी शामिल थे। दरअसल जापान रूसी उपनिवेश पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रूस ने उसे अपमानित किया था। 1904 से पहले मंचूरिया का पूर्वी क्षेत्र रूस के ही अधिकार में था, जहां खेती की उपज के अलावा इमारती लकड़ी खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता था। जापान के लिए ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये सभी क्षेत्र कभी जापान का ही अधिकार में था, जिसे रूस ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय वहाँ रूसी सेनाओं का बहुत सारे छावनियाँ भी थी, मगर अब जापान रूस से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद रशियन जार को अपना विरोध पत्र भिजवाया, जिसमें कहा गया था कि रूस को चीन और कोरिया को खाली करके वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। रूस लौट जाने की बजाय उसने जापान पर और प्रतिबंध लगा दिए। दोनों देशों के बीच कई महीनों तक लगातार वार्तालाप चलती रही, मगर अफसोस की इस वार्तालाप से कोई परिणाम नहीं निकला और रूसो जापानीज वार की बादल मंडराने लगे, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।